धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने आज नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुधीर शर्मा की जीत के साथ लोकसभा में चौका और विधानसभा में छक्का लगेगा। धर्मशाला में सुधीर शर्मा लड़ रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि छक्का बाउंड्री पार जाने वाला है। वहीं उन्होंने सुधीर शर्मा को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है कि सुधीर शर्मा ने जब अपना पहला उपचुनाव लड़ा था तो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल चाहते थे कि सुधीर भाजपा में हों। अब इनके भाजपा में आने से पार्टी को बल मिलेगा और कार्यकर्ता भी इनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। क्या बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सुने विस्तार से। पहले तो सुधीर शर्मा जी को नामांकन पर शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी जीत के साथ, जैसा आपने आईपीएल में देखा चौके छक्कों का सीजन था, उसी तरह से इस चुनाव में भी चौके छक्के लगने वाले हैं। चौका लगेगा लोकसभा की जीत का और छक्का लगेगा विधानसभा की जीत का। और धर्मशाला में अगर सुधीर जी लड़ रहे हैं तो छक्का बाउंड्री पार जाने वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है। रिकॉर्ड लीड से जीतने वाले हैं। मुझे आज भी याद है जब इन्होंने अपना पहला बाई इलेक्शन लड़ा, उस समय भी प्रेम कुमार धूमल जी चाहते थे कि सुधीर जी भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में है तो हमें और बल इनके आने से भी मिलेगा। और निश्चित तौर पर हमारे सभी कार्यकर्ता इनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।